खीर बनाने के लिए मैंने चावल को 2 से 3 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था। इसके बाद इसे हल्का सा क्रश भी कर लिया है। अब एक पैन में थोड़ा सा घी गरम कर लें और ड्राई फ्रूट्स को कलर चेंज होने तक भून लें। ड्राई फ्रूट्स तो फ्राई कर लिए हैं, अब उसी पैन में दूध डाल दें और एक उबाल आने देंगे। दूध में उबाल आने पर चावल डाल दें, साथ ही इलायची पाउडर भी। इन्हें मिक्स कर दें और धीमी आंच पर पकने दें। खीर को चावल के पक जाने तक पकाएं और कंसिस्टेंसी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। मिक्स करते समय चावल को हल्का सा मैश भी कर दें। थोड़ी देर के बाद ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर दें। इस समय चावल पक चुके हैं और खीर भी गाढ़ी हो रही है, तो फ्लेम को ऑफ कर देंगे और खीर को पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। अब गुड़ और पानी का एक घोल तैयार कर लेंगे। इसके लिए एक पैन में ऐड कर देंगे पानी और गुड़। इसे धीमी आंच पर गुड़ के अच्छी तरीके से घुल जाने तक पका लेंगे। इसे भी पूरी तरह से ठंडा होने दें और फिर छान लें। अब खीर और गुड़ का जो हमने घोल तैयार किया है इन्हें मिक्स करेंगे। मिक्स करते समय इन दोनों का टेम्परेचर एक जैसा होना चाहिए, नहीं तो खीर फट जाएगी। गुड़ वाली खीर तैयार है, तो बस अब इसे सर्व करेंगे। सर्व करने से पहले ऊपर से ड्राई फ्रूट से गार्निश कर दें। यदि ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।